top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आज निगम के चुनावों के प्रचार का आखिरी दिन है. सभी पार्टियां 5 बजे के बाद से प्रचार करना बंद कर देंगी, वोट मांगना बंद कर देंगी. आम आदमी पार्टी चुनावों की घोषणा के बाद से लगातार निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के निकम्मेपन को एक्सपोज करते हुए दिल्ली के सरकार के जो कहा सो किया के वायदे को सामने रखकर निगम के चुनावों में जो रेलेवेंट मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं प्रासंगिक, उन इश्यूज के ऊपर कैंपेन करते हुए वोट मांग रही थी. और दिल्ली की जनता का बहुमूल्य और अपार समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को, आम आदमी पार्टी को मिला. और ये समर्थन सिर्फ प्रत्याशियों या संगठन तक सीमित नहीं था, यह समर्थन दिल्ली की सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों, जनता की भलाई के लिए किए गए कामकाज और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, दिल्ली की सरकार का जो संकल्प रहा है, उस संकल्प के भी समर्थन में दिल्ली की जनता बाहर आई, आगे आई और अपना आशीर्वाद दिया. आज बीजेपी ने अपने मिस रूल से, अपने मिस गवर्नेंस से एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू में तब्दील करके रखा हुआ. दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को वोट किया. यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो मच्छर जनित बीमारियों को वोट किया. यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो कचरे और करप्शन को वोट किया. यह बात दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है. जाहिर सी बात है कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को फैलने देकर जब भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति की दुकान चलाने में मदमस्त थी, दिल्ली के लोग सब देख पड़ रहे थे और समझ रहे थे और वो तय भी कर रहे थे कि ये जो लोग हैं जिनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि इन्हें परवाह नहीं कि हमारे घरों में हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रिय, हमारे अनुज, हमारे अग्रज, हमारे भाई बंधु बीमार पड़ रहे, उनकी कानों पे जू तक नहीं रेंग रही, समय आने पर इनसे बदला लिया जाएगा. आप सबकी जानकारी में दिल्ली के अंदर कहां तो पहली कतार के नेताओं द्वारा कैंपेन किया जाना तय था. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम कैसे रद्द हुआ, क्यों रद्द हुआ, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं और इसे अखबारों में, टीवी चैनलों में आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि माननीय अमित जी को सही समय पर इस बात का अंदाजा लग गया कि दिल्ली की जनता उनके 10 साल के निकम्मेपन के बदले में, उनकी 10 साल की असफलताओं, विफलताओं के एवज में उनके ऊपर झाड़ू लगाने वाली है, उनको एमसीडी से बाहर करने वाली है. इस बात को 11वें घंटे में समझते हुए माननीय अमित जी ने अपने आप को एमसीडी के कैंपेन से पुल आउट कर लिया है.